नमस्कार, मैं हूं विपुल माहेश्वरी। आप देख रहे हैं नवतेश टीवी। एक नजर डालते हैं आज की पांच बड़ी सुर्खियों पर। एक देश एक चुनाव पर मंथन के लिए पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों की बुलाई बैठक, विपक्ष बन सकता है रोड़ा। लोकसभा स्पीकर बने राजस्थान से कोटा सांसद ओम बिड़ला को मिला विपक्षी दलों का समर्थन। बिहार में चमकी बुखार के आंकड़ों ने फिर चौंकाया, 72 नए मामले आए सामने, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चमकी बुखार। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी पार्टी शिवसेना के बदले सुर, विधानसभा चुनाव में शिवसेना बनाना चाहती है पार्टी से सीएम। वर्ल्ड कप में भारत से मिली शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम में फूट, तीन गुटों में बटी टीम। विपक्ष ने पीएम मोदी के एक राष्ट्र एक चुनाव वाली बैठक को विरोध करने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में एक देश एक चुनाव के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था, जिसको लेकर पीएम मोदी ने आज यानी बुधवार को संसद भवन की लाइब्रेरी में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। विपक्ष बैठक में शामिल होने के लिए एकमत नजर नहीं आ रहा। इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बसपा सुप्रीमो मायावती, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और चंद्रबाबू नायडू ने आने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं बैठक में गैर एनडीए की बात की जाए तो जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने राजस्थान के कोटा सांसद ओम बिड़ला को लोकसभा स्पीकर बनाकर एक बार फिर चौंका दिया है। राजस्थान के कोटा सांसद ओम बिड़ला को आज निर्विरोध रूप से लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनडीए के सभी दलों, विपक्षी दलों ने ओम बिड़ला पर भरोसा जताया है और समर्थन दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिड़ला के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका राजनाथ सिंह ने समर्थन किया। इसके बाद अमित शाह और अरविंद सावंत समेत अन्य कई नेताओं ने ओम बिड़ला का प्रस्ताव रखा व अन्य सांसदों ने इसका समर्थन किया और कांग्रेस का समर्थन भी ओम बिड़ला को मिल गया है। बिहार में चमकी बुखार के आंकड़ों ने एक बार फिर चौंका दिया है। बिहार के मुजफ्फरनगर में बच्चों की मौत का आंकड़ा 112 तक पहुंच गया है। बिहार में नीतीश कुमार के शासन में बीमार बिहार को बचाने की उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 72 नए मरीज सामने आए हैं। अस्पताल में करीब 418 मरीजों का इलाज चल रहा है और कई बच्चों की हालत बेहद नाजुक है, लेकिन अब तक ना तो सरकार और ना ही डॉक्टर ये पता लगा पाई है कि चमकी बुखार आखिर किस तरह की बीमारी है। हालांकि अब चमकी बुखार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चमकी बुखार के कारण लगातार बढ़ रही मौतों की तादाद को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार सरकार से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार सरकार से 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद महाराष्ट्र से उनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना के सुर बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल शिवसेना ने आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना सीएम बनाने की बात कही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि आने वाले चुनाव में राज्य में शिवसेना का सीएम होगा। पार्टी ने लिखा कि शिवसेना का भले ही बीजेपी के साथ गठबंधन हो, लेकिन शिवसेना अपने ही तेवर वाला संगठन है और संकल्प के साथ ये पार्टी आगे बढ़ी है। शिवसेना ने बीजेपी से आने वाले चुनाव में अपना सीएम बनाने की मांग को उठा दी है, जिससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं शिवसेना ने बीजेपी से अलग रुख अपनाने का मन बना लिया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मिली करारी हार के बाद खबर सामने आई है कि पाकिस्तान खिलाड़ियों के बीच अनबन हो चुकी है, यानी कि टीम तीन गुटों में बट गई है। दरअसल भारत के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में फूट पड़ गई है। हार के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल की माने तो पाक टीम तीन गुटों में बट गई है। एक ग्रुप मोहम्मद आमिर, दूसरा ग्रुप इमाद वसीम और तीसरा ग्रुप पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद का है। वैसे पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान भारत के सामने कम ही टिक पाया है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर भी पाकिस्तान के हार के बाद जमकर धज्जियां उड़ा चुके हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नवतेज टीवी।